अब ये आंसर की बनाई थी मैंने उस टाइम पे, तो इसमें आंसर लिख रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपन तो पेपर अटेम्प्ट करना सीख रहे हैं बेसिकली इसके अंदर। तो देखो क्वेश्चन इस तरीके से कुछ आते हैं आपके सामने, 10 क्वेश्चन शुरू में ग्रामर के आते हैं और उसमें साफ ऊपर शब्दों में लिख रखा होता है आइडेंटिफाई द एरर एंड रीराइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ फॉलोइंग सेंटेंसेस। पहले तो क्या करना है, एरर को आइडेंटिफाई करना है इफ एनी, अगर कोई है तो आइडेंटिफाई करो, जबरदस्ती नहीं ढूंढनी है, और उसके बाद में सेंटेंस को रीराइट करना है। तो एक कॉमन गलती तो हम क्या करते हैं, जो हमारे एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चंस के अंदर अपन क्या करते हैं, उनको एक्टिव को पैसिव में चेंज कर देते हैं और डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम इंस्ट्रक्शन ढंग से नहीं पढ़ते। इंस्ट्रक्शन में क्या लिख रखा है, इनके अंदर एरर है, एरर को सही करो, डायरेक्ट का इनडायरेक्ट मत बनाओ, एक्टिव का पैसिव मत बनाओ, चेंज नहीं करना है, एरर फाइंड करनी। क्लियर है? पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। 10 क्वेश्चन लगातार आपको मिलेंगे, 60 टॉपिक से 10 क्वेश्चन आएंगे। देखो जब भी इस तरह के क्वेश्चन करने होते हैं ना, तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की हेल्प लेते हैं। इस सेंटेंस का क्या करना है, पोस्टमार्टम करना है। हमें नहीं पता वहां किसकी एरर आएगी, पर हमें ये अच्छी तरीके से पता है कि हमारे सिलेबस में ये 60 टॉपिक है, इसका मतलब एरर आएगी तो इन्हीं 7 से आएगी, इसके बाहर से तो कहीं नहीं आएगी। तो नेमली पहले तो टॉपिक हमें याद होने चाहिए, क्या क्या टॉपिक है, आर्टिकल है, डिटर्मिनर है, प्रेपोजिशन है, मॉडल है, टेंस है, इसके अलावा एक्टिव पैसिव है, इसके अलावा डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, ये टॉपिक है। इसका मतलब एरर आई तो इन्हीं चीजों से आएगी, इसके बाहर तो सिलेबस से कहीं और से आएगी नहीं। क्लियर है? एक कंडीशनल से एरर आती है, उसको टेंस में ये लोग काउंट करते हैं, बस इतनी सी बात है। ये मुझे याद है तो मैं उसमें भी, मुझे अगर सीक्वेंस याद है तो मुझे पता है कि पहला दूसरा क्वेश्चन तो आर्टिकल से ही आना है, तो एरर ढूंढूंगी तो आर्टिकल में ढूंढ लूंगी, मिल गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला अगर सीक्वेंस ऊपर नीचे कर दिया तो दूसरे में जाना है। अब उसके बाद में हमें क्या करना होता है, सेंटेंसेस का पोस्टमार्टम। हमेशा कभी गलती नहीं होगी अगर आप सेंटेंस का पोस्टमार्टम सही करते हो। पोस्टमार्टम का मतलब इनको पार्ट्स ऑफ स्पीच दे दो और जिस पार्ट्स ऑफ स्पीच में दिक्कत है वहीं से काम शुरू करते हैं। इटली है क्या, इटली हमारा सब्जेक्ट है, इटली सब्जेक्ट बन सकता है क्या, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है, चलो मामला सही है। इसके बाद में इज लगा रखा है, इज क्या है यहाँ पे, इसका वर्ब की तरह काम कर रहा है ना, इसके वर्ब की तरह काम कर रहा है। इटली के साथ इज आना चाहिए था, आर आना चाहिए, एम आना चाहिए था, इजी आना चाहिए था, यहां तक भी मामला ठीक है, चलो ठीक है। इसके बाद में इन्होंने क्या बना रखा है, नाउन ऑफ आइडेंटिटी बना रखी है, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, और ये क्या है, आर्टिकल है। क्या कंट्री एक नाउन होता है, क्या कंट्री नाउन होता है, तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारी कंट्री, नाउन तो है, सही है। क्या यूरोपियन एडजेक्टिव होता है, क्या कैसा है, यूरोपियन है, बिल्कुल एडजेक्टिव है। अब मुझे ये देखना है कि क्या आर्टिकल सही लगा रखा है। आर्टिकल मेरे पास 3 ही है, आर्टिकल ए, आर्टिकल एन, आर्टिकल द, स्पेशल केस है क्या, क्या इटली एक ही मात्र यूरोपियन कंट्री है या और भी यूरोप में देश है, और भी है, एकमात्र तो नहीं है, एकमात्र होती तो आर्टिकल दिया आता है ना, एक है, यूरोपीय देशों में से कोई एक है, तो कोई एक का सेंस है ना, क्योंकि और भी है, कोई एक का सेंस है, तो कोई एक का सेंस द से तो आएगा नहीं। अब बच्चा मेरे पास आर्टिकल ए और एन, अब मैंने हमेशा बोला है कि आर्टिकल की पहचान किससे, साउंड से, हमेशा किससे, साउंड से। यूरोपियन का साउंड चेक करो, कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट आते ही यहाँ पे मामला करेक्ट हो जाएगा। ये तो चलो बहुत ईजी था, देखते ही करेक्ट हो जाता, पर मैं जो मेथड बता रही हूँ वो आपको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि वहां कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आ गया, बड़ा सेंटेंस आ गया, तो आप फिर गड़बड़ कर दोगे उसमें, ठीक है। तो पोस्टमार्टम करेंगे, एक एक वर्ड को देखेंगे, सब सही है मामला, इतना टाइम तो हमें देना पड़ेगा, कम से कम 10 मिनट। नेक्स्ट करके देखेंगे इसी तरीके से, कैसे चलना होता है इसमें आगे, हाँ ये रहा, चलिए इसमें करके देखो। रमेश गुप्ता ठीक है क्या, किसी का नाम है, सब्जेक्ट है, रमेश गुप्ता के साथ इज आना चाहिए था क्या, सही है मामला। इसके बाद में अगेन नाउन ऑफ आइडेंटिटी आ रखी है, ए एमबीबीएस, तो एमबीबीएस में तो कोई दिक्कत नहीं है, आर्टिकल है उसको चेक करना था, बोल के देखो एमबीबीएस, एम ए से स्टार्ट हो रहा है, साउंड कैसा है, वॉवल है या कॉन्सोनेंट है, वॉवल है, और वॉवल के साथ आर्टिकल कौन सा आता है, एन आता है, ए तो आएगा नहीं, द क्यों नहीं आ रहा, अरे पूरी दुनिया में एक ही एमबीबीएस थोड़ी है, वो कोई एक है। देखो आर्टिकल में जो ये ए होता है इसका मतलब होता है कोई एक, क्या मतलब होता है, कोई एक, क्लियर है, एक भी नहीं कोई एक, और द का मतलब वही वही वही, पर्टिकुलर के लिए बोलते हैं। अब इतनी सी चीज ध्यान रखना, प्लीज गलत मत करना इसको कभी भी आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखो, द आइल क्या, हाँ ये एक्चुअली मेरी राइटिंग में मैंने आंसर की रेडी की थी, तो ये टाइप्ड नहीं है मटेरियल, ये कोई कॉपी थी, मेरी कॉपी थी, और उस कॉपी को सजा सजा के मैंने लिखा है और उसी को ही एज इट इज पीपीटी बनवा दिया है फोटो खींच के। हाँ नहीं बिल्कुल आपकी बात सही है, आई अग्री, लेकिन ये अभी का बनावा नहीं है, जब ये 21 वाला पेपर हुआ था तो मैंने इसके आंसर की अपलोड करवाई थी चैनल पे बना के, तो इसीलिए ये आपको इसमें ऐसा दिख रहा है ना।
फोटो खींच के और एज इट इज डले हुए हैं, ये आरपीएससी का पेपर है। चलिए नेक्स्ट देखो, द आइलैंड वॉज अनइनहैबिटेड एक्सेप्ट ऑफ शीप। तो इस केस के अंदर आइलैंड सब्जेक्ट है क्या? बिल्कुल सही है। इसके साथ वॉज ही आना चाहिए था क्या? द आइलैंड है, एक ही है, तो वॉज सही है ना, वर तो नहीं आना चाहिए था ना। नहीं, ये मामला भी सही है। अब अनइनहैबिटेड मुझे नहीं पता क्या होता है, छोड़ दो, मेरे को जानना भी नहीं है, मुझे तो ये जानना है कि मेरी एरर क्या है। ठीक है, एक बार को हो सकता है कोई वर्ड ऐसा आ जाए जो हमें नहीं उसका मीनिंग पता हो। इसके बाद में आया एक्सेप्ट ऑफ शीप। अब एक्सेप्ट है, ऑफ है और आगे शीप लगा हुआ है, तो मुझे सिर्फ ये देखना था कि यार ये भी प्रेपोजिशन, ये भी प्रेपोजिशन, और ये इसके बाद में एक ऑब्जेक्ट बैठा है, तो ये दो प्रेपोजिशन एक साथ में नहीं बैठते, ये लड़ाई करते हैं, एक प्रेपोजिशन बिठा दो। तो अनइनहैबिटेड से अभी मेरा कोई लेना देना नहीं है, मुझे नहीं मतलब पता, तो भी ये दो प्रपोजिशन आपस में लड़ रहे थे, तो मैं डायरेक्ट लिख देती एक्सेप्ट शीप। क्या लिख देती? एक्सेप्ट शीप। और एक चीज और होती है कि एक्सेप्ट फॉर दोनों साथ में मिलके भी एक नए प्रपोजिशन का निर्माण करते हैं, ये दोनों मिलके अब नया प्रपोजिशन बन रहा है, तो एक्सेप्ट फॉर शीप भी सही होता है इस केस में और एक्सेप्ट शीप भी। पर देखना क्या था, ये सही है, ये सही है, इसके बाद में एडजेक्टिव आ गया। अगर यहाँ पे अनइनहैबिट होता तो ये गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि बी के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो बैठती नहीं है। बी के बाद क्या क्या बैठता है? आईएनजी बैठता है, ईडी लगा के वो बैठता है एडजेक्टिव, है ना, और एडजेक्टिव खुद बैठता है, और क्या बैठता है? नाउन ऑफ आइडेंटिटी बैठती है। पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अभी आगे इससे क्वेश्चन आया हुआ है ना। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये ईडी नहीं लगा हुआ होता तो ये एरर हो जाती है, लेकिन ये तो सही है, बी के बाद में एडजेक्टिव बैठा हुआ। फिर मैंने देखा दो प्रेपोजिशन आपस में लड़ रहे हैं, दो प्रेप हाँ, बिल्कुल, थर्ड फॉर्म ही एडजेक्टिव बनती है अगर वर्ब को बनाना हो तो, है ना, वही चीज है ये। चलिए अब इसके बाद में, क्योंकि ये एडजेक्टिव इसीलिए ये थर्ड फॉर्म है लेकिन ये एडजेक्टिव का सेंस देता है, इसीलिए मैंने इसको एडजेक्टिव लिख दिया, क्योंकि मुझे तो पता है ना इसका मतलब क्या होता है। हाँ, मेरे को मानना ही नहीं है, मैं कह रही हूं इसके बाद अगर ये वर्ब थर्ड भी है तो सही होती है, सर ने बताया है ना, तो सही तो है, फिर मेरा इससे क्या लेना देना था। अगर यहाँ पे अन इन हैबिट लिखा हुआ होता तब मेरे को एरर दिखती, अब मतलब से मुझे कोई मतलब नहीं है जब तक कि मेरा एरर नहीं फाइंड हो रही है। हालांकि मतलब बताऊंगी, लेकिन जब तक आपको पता नहीं है तब तक आप अपने फ्लो में उसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। क्लियर है? अब इसका मीनिंग देखते हैं। हाँ तो वो इसलिए क्योंकि जल्दबाजी, हमें बहुत जल्दी होती है एरर ढूंढने की और आगे पीछे वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की, और इसीलिए हमारे नंबर नहीं आते है ना, इसीलिए मैं बोल रही हूँ पूरा सेंटेंस लास्ट तक देखो, एरर कहीं भी मिल सकती है। पहला क्वेश्चन आर्टिकल से आया, दूसरा आर्टिकल से आया, डिटरमिनर से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, और तीसरा क्वेश्चन प्रेपोजिशन से आया है। एज इट इज उस सीक्वेंस को ये फॉलो कर रहे हो, उसको याद रख लेना सिलेबस में, उसी में से सीक्वेंस से सीधे सीधे क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको। ठीक है, देखना क्या था, ये भी प्रेपोजिशन, ये भी प्रेपोजिशन, ऐसा कोई नियम नहीं है कि ये दोनों साथ में मिलके काम करते हो, एक्सेप्ट फॉर उस जगह चीज को छोड़ने के लिए आता है, और एक्सेप्ट अकेला भी प्रेपोजिशन का काम करता है जिसके बाद में शीप। अब इसका मतलब देखो, देखो हैबिटेट सुना है क्या आपने? हैबिटेट, हैबिटेट सुना है क्या? किसी का रहने का निवास स्थान, सुना है क्या? सुना होगा ना, रहने का निवास स्थान। उसके आगे मैंने लगाया अन इन, अब उस जगह को आप रहने लायक नहीं बना रहे हो, वहां पर लोगों को नहीं रहने दे रहे हो, उसको क्या बोलते हैं? निर्जन, है ना। तो अन इनहैबिटेड का मतलब क्या है? जहां पे कोई रहने वाला नहीं था। दो वर्ड होते हैं, एक इनहैबिट होता है और एक इनहिबिट होता है, सुना है क्या? कन्फ्यूजेबल वर्ड्स में आ सकता है। इसका मतलब होता है लोगों का रहना, अकोमोडेशन। इसका मतलब क्या होता है? रहना या अकोमोडेशन। इसका मतलब होता है रोकना लोगों को, निषिद्ध करना, रोकना, पाबंदी लगाना। ठीक है, अनहैबिट इनहैबिट, डिफरेंस सिर्फ ये ए और आई का है ना। ये कौन सा वाला है? इनहैबिट का मतलब रहने वाले, और अन लगा दिया तो निर्जन, जहां कोई नहीं रह रहा। अब इसका अर्थ क्या निकल रहा है? आइलैंड था, कैसा था? निर्जन था, किसको छोड़कर? भेड़ों को छोड़कर। इसका मतलब आइलैंड पे कौन था? सिर्फ भेड़े थी। क्या मतलब है? भेड़ों को छोड़कर आइलैंड कैसा था? निर्जन था, यानी वहां सिर्फ कौन थी? भेड़े थी। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट देखो, ये वाला देखो, 4 नंबर, डिवाइड द मनी बिटवीन यू ऑल। अब पैसा बांटना है आपको,
क्या दिक्कत है इसमें? यस, बिटवीन दो के बीच में आता है और अमंग दो से ज्यादा के बीच में, यही नियम पड़ा है ना, ये दो से ज्यादा और ये दो के बीच में। तो एक एग्जाम्पल ये है, ये 2021 वाला पेपर कर रहे हैं हम। डिवाइड दिस मनी बिटवीन राम, श्याम एंड सीता। सही है क्या सेंटेंस? सही है, दो से ज्यादा हो गया। एग्जैक्टली, इट्स अबाउट द डिफाइंड और अनडिफाइंड चीजें। अगर अनडिफाइंड है, इनडेफिनेट है, जिनके बारे में आप नहीं जानते हो, उस केस के अंदर दो होंगे तो बिटवीन और दो से ज्यादा होंगे तो अमंग। लेकिन अगर चीजें डिफाइंड है तो कितने भी हो बिटवीन ही आएगा, इसीलिए ये एग्जाम्पल लिखा था। ठीक है, पढ़ती तो हो तुम, मैं सोची नहीं पढ़ते हो। चलो, तो इस केस में तो हालांकि सही था क्योंकि चीजें पता नहीं थी। ऑल कौन, ऑल कौन तो दो से ज्यादा के लिए अमंग। कितना इजी क्वेश्चन आया था ये, आप कर सकते हो क्वेश्चंस, बस आप करना नहीं चाहते और गलत कर देते हो। नेक्स्ट आया था, डिड सोहन स्क्रैच डियोर कार्ड। अब इससे आसान क्वेश्चन शायद ही आरपीएससी पूछ सकती थी। अब ऑब्वियसली, अब ये इसका मतलब आपको अब इतना भी तो कॉमन सेंस हो कि फर्स्ट फॉर्म कौन सी आएगी, फर्स्ट आएगी कि थर्ड आएगी, तो इसको रिवाइज करवाने का तो आपको पता ही है। डू, डज और डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलिए, इसके बाद में आपका वॉज वर अगर ING या फिर ED वाला है ना, बी फॉर्म के हिसाब से हैज हैव और हैड। इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और मॉडल कोई सा भी हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इतना भी पता हो तो हमारा तो काम बन ही रहा है, यहाँ तो आरएस में तो बन ही रहा है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसको बताने की जरूरत नहीं है। स्क्रैच्ड लिखा हुआ है, डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, पूछ रहा है कि क्या आपने आपका कार्ड स्क्रैच किया है। सॉरी, डिड सोहन स्क्रैच योर कार्ड, क्या सोहन ने आपका कार्ड स्क्रैच किया था, पास्ट के अंदर है ना। स्क्रैच करना जानते हो ना, यूं करते हैं है ना। चलिए, 120 माइल्स, 120 माइल्स आर टू फार टू ट्रेवल। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीगमेंट का क्वेश्चन है आपका। इसमें बस ये देखना था कि सब्जेक्ट एक एंटिटी है या सब्जेक्ट अलग अलग चीज है। तो 120 मील आर टू फार, बहुत दूर है, किसके लिए? ट्रैवल करने के लिए। यानी अगर आपको यहाँ से 120 मील चल के जाना है तो बहुत दूर है ट्रैवल करने के लिए। तो आप मुझे बताओ, आप 120 मील को एक साथ देख रहे हो या अलग अलग देख रहे हो? एक साथ, दूर बोल रहे हैं तब तो ऐसे ही बोलोगे है ना। तो एक साथ है, सिंगल एंटिटी है, तो यहाँ क्या आना चाहिए था? सिंगुलर आना चाहिए था। क्लियर है? ऐसे ही अगर मैं एक एग्जाम्पल और बोलूं कि 120 रुपीज इज अ बिग अमाउंट, या 120 रुपीज आर अ बिग अमाउंट, और 120 तो मैंने बहुत ही कम लिख दिया, 1 लाख रुपए तो होने ही चाहिए कम से कम, है ना। 1 लाख रुपीज इज अ बिग अमाउंट और 1 लाख रुपीज आर बिग अमाउंट इज, क्यों? क्योंकि एंटिटी एक साथ देख रहे हो तब आपको वो बड़ा लग रहा है। तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट देखो, 7 नंबर, मे इट स्नो दिस फार साउथ। ये पूरे पेपर में एकमात्र क्वेश्चन ऐसा था जो मतलब मुझे भी समझ नहीं आया था उस वक्त कि ये क्या कहना चाह रहा है। आप समझो ये क्या कह रहा है, एकमात्र क्वेश्चन जो ढंग का आया था, जिसमें थोड़ी दिक्कत आई हो भाई। इसका जस्टिफिकेशन नहीं दिया जा सकता, हाँ नीचे मतलब साउथ इंडिया की बात चल रही है ना। हाँ, आर्टिकल नहीं, ये वो नहीं है, ये एडवर्ब की तरह काम कर रहा है और एडवर्ब को भी आर्टिकल नहीं लेता भाई। ये वेयर का जवाब दे रहा है, कहां पे इतनी दूर बारिश साउथ वो स्नो नहीं हो सकती। वेयर का जवाब कौन देता है? एडवर्ब देता है वर्ब के लिए, नाउन थोड़ी है ये। यहाँ पे नाउन होता तो आर्टिकल दी लेता, एडवर्ब क्यों आर्टिकल लेगा? नहीं समझ आ रहा, देखें इसको। चलिए भाई, हमने हमेशा पढ़ा है कि
पॉसिबिलिटी की जहां भी बात हो ना, संभावना की, वहां आर्टिकल में यूज करो। यही पढ़ा है अपन ने, पॉसिबिलिटी संभावना की बात हो तो आर्टिकल कौन सा आएगा? में आएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरोगेटिव है ना, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या इतना दूर, दिस फार मतलब इतना दूर, साउथ में स्नो, स्नो यहां पे वर्ब है और इसका मतलब है बर्फबारी होना, बर्फबारी होना। मुझे कैसे पता चला ये वर्ब है? यहां पे हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन शुरू हो रहा है, ये सब्जेक्ट है तो इसके बाद वर्ब भी आएगी, और तो क्या आएगा ना, तो स्नो नाउन भी होता है, स्नो वर्ब भी होता है, तो ये वर्ब है कि क्या इतना दूर साउथ के अंदर बर्फबारी हो सकती है। अब संभावना की बात थी, संभावना की बात थी कि भैया यार हाँ हो तो सकती। फिर हमने दिमाग लगाया कि हमारा जो साउथ इंडिया है वहां बर्फबारी हो सकती है क्या? ज्योग्राफी पढ़े हो क्या आप लोग? हमारा साउथ इंडिया अभी तक तो नहीं और हो भी नहीं सकती। क्यों? क्योंकि वहां क्षमता नहीं है, वहां की कैपेसिटी नहीं है, वहां के वेदर के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वहां पे बर्फबारी करवा दे। बारिश तो होती है, खूब होती है, वहीं से शुरू होती है, लेकिन वहां बर्फबारी नहीं हो सकती। तो यहां सिर्फ बात पॉसिबिलिटी की नहीं थी, यहां बात थी एबिलिटी प्लस पॉसिबिलिटी। इस केस में फिर हम मे को रिजेक्ट करके किसको सेलेक्ट करेंगे? कैन को, क्योंकि जहां बात हो एबिलिटी की वहां कैन अपने आप को पीछे नहीं रखेगा। तो बात सिर्फ पॉसिबिलिटी है तो मे लगाओ, पॉसिबिलिटी के साथ एबिलिटी एड ऑन हो जाए। और एबिलिटी क्यों बोल रही हूं? क्योंकि वहां के वेदर कंडीशन में क्षमता नहीं है कि वहां बर्फबारी करवा दे, वहां का मौसम ऐसा है ही नहीं कि वहां बर्फबारी हो, नहीं हो सकता। तो यहाँ सिर्फ पॉसिबिलिटी की बात नहीं है, पॉसिबल तो कुछ भी हो सकता है दुनिया में, लेकिन यहाँ क्षमता ही नहीं है कि वहां पे बर्फबारी हो। ठीक है, हाँ क्या इतना दूर हो सकती थी, लेकिन ये जनरल स्टेटमेंट है ना, किससे? कोई एक पर्टिकुलर इवेंट होता है तब हम पास्ट में जाते हैं। ये तो जनरल स्टेटमेंट है, पूछना चाह रहा है कि क्या इतना दूर साउथ में बर्फबारी हो सकती है, क्या जनरल स्टेटमेंट है ना। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट देखो, आठ नंबर। अब हमें पता था कि भैया हमारे मॉडल से आ गए और किससे, टेंथ से भी हो गया। अब इनका एक नंबर है एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, तो एरर भी इन्हीं में से कुछ होगी, तो पता तो चल ही रहा है जो सिलेबस के टॉपिक है उन्हीं से एरर आएगी। लेट हर टोल्ड टू वेट हियर, बहुत ईजी था अगर आप इसको समझ लेते तो। देखो लेट के बाद में हमेशा बताया है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेट के बाद में टोल्ड तो किसी भी कीमत पे सही नहीं था, तो पहला तो यही आइडेंटिफाई करना था कि लेट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब इसके दो तरीके थे, एक तो ये लेट हर टेल टू वेट हियर, ये इस केस के अंदर एक्टिव है कि उसको कहा जाए है ना, वो कहेगी किसी और को रोकने के लिए, और इस केस में पैसिव है कि इसको कहो कि यहां रुके, तो ज्यादा अप्रोप्रिएट ये बैठ रहा था, क्योंकि आपको थर्ड पर्सन का पता नहीं है ना कि ये किसको कहेगी आगे, आपको नहीं पता ना ये किसको कहेगी, तो इस केस में हमने इसको पैसिव बनाया और सीधा लिख दिया लेट हर बी टोल्ड टू वेट हियर, क्योंकि हमारे सामने वही व्यक्ति है, उसको कहा जाए कि वो यहां रुके, पैसिव बनाया BT3। पर ये चीज तो पकड़ में आ गई थी, एक बार को तो ये चल जाए, लेकिन ये वाला तो नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका लेट हर टोल्ड टू वेट हियर, ये तो हो ही गया ना। हाँ, आई आस्क्ड हर एज टू वेदर शी वुड हैव अ कप ऑफ टी, अब ये वाला बताओ। यस, इंटरोगेटिव में इफ और वेदर आते हैं, एस टू का तो कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे, तो या तो इफ लगा दो या वेदर लगा दो, और वेदर यहाँ पे था तो हमें और इस एस टू की जरूरत ही नहीं थी, ये तो एक्स्ट्रा था, इसको हटा दिया और काम खत्म हो गया, इससे आसान और क्या पूछेगा। स्ट्रक्चर अगर हमारे दिमाग में है तो चीजें आसान है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, और इसमें कोई एरर नहीं थी, बाकी सब सही था। ये वाला देखो, अब आप देख ही रहे हो किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, 2021 का पेपर है, शुरू में ही बता दिया था कि हेल्पिंग वर्ब, अब ये सोचते हैं कि ये क्या काम में आएगा, अरे बहुत काम में आएगा। इंटरोगेटिव दो तरीके से बना सकते हैं, पहला तरीका क्या है, हेल्पिंग वर्ब, सब दो क्वेश्चन आ गए सिंपल से रूल पे ही, एक तो डिड वाला आया ही था और एक ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट और उसके बाद में मेन वर्ब, और अगर मुझे WH से बनाना हो तो WH, WH के बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में मेन वर्ब, इसको बस यहां ले जाते काम खत्म हो जाता, बाकी सब चीजें सही है। एक एक नंबर के आते हैं सारे, तो 10 नंबर निकल गए, 10 में से दो हटा देती हूँ, 8 तो आने चाहिए, इतना तो मान रहे हो ना, इतना पढ़ लिया, अब अगर 8 नहीं आ रहे तो मतलब नहीं है फिर, तो कर ही देते ना, हम भी कर देते, आपको तो करना ही है, ज्यादा करना है,
हम भी कर देते का क्या मतलब होता है? ये तो वो जो नहीं पढ़े हुए हैं उनको भी आठ करने हैं। आप तो पढ़ रखे हो ना इंग्लिश पहले, ये तो उनके लिए थे। चलो अब आगे देखते हैं, आगे देखो। अब इसके बाद में ये सिमिलर और ये ऑपोजिट वाले, इनमें देखो मामला ऐसा रहता है, आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। फिर भी अपन तो कोशिश करते हैं कि नहीं पता हो तो क्या करेंगे, तुक्के मार देंगे इनमें से एक लिखना है। पर ये फॉर्मेट दिखाने के लिए आपको कि क्वेश्चन एक आता है और उसके अंदर दो ऑप्शन रहते हैं, उनमें से एक को चूज करना होता है। अगर मैं बात करूं इनसोलेंट की, तो इनसोलेंट वो व्यक्ति होता है जो दूसरों के साथ में हार्श बिहेव करता है। कैसा बिहेव करता है? हार्श बिहेव करता है, और उसके लिए ऑप्शन दिया हुआ था रूड, सिमिलर वर्ड निकालना था, पोलाइट होगा नहीं। इसके बाद में इंडोर्स, एंडोर्समेंट सुना होगा आपने हिंदी में, पारिभाषिक शब्दावली में प्रश्नांकन करना, मेरे को याद हो गए लेकिन आपको याद नहीं हुआ है अभी तक। एंडोर्समेंट पढ़ा होगा आप लोगों ने। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि चीजें अगर आप रिलेट करके याद करोगे ना तो लंबे समय तक याद रहेगी। मैं एंडोर्समेंट को वहां पढ़ के यहाँ अप्लाई कर रही हूँ और यहाँ पढ़ के वहां अप्लाई करूंगी। ठीक है, मकान वकान लेते हैं तो उसके एंडोर्समेंट कराते हैं ना, प्रश्नांकन करवाते हैं कि भैया हमारी हो गई अब ये जमीन, तो एंडोर्स वहां से इसको यहाँ कनेक्ट करो। ये वर्ब है एंडोर्स, इसका मतलब होता है अप्रूव करवाना, मकान को अप्रूव करवा लिया आपने सरकार से, तो डिस्क्रेडिट तो होगा नहीं। ठीक है, अब इसके बाद में क्या, नहीं आंसर नहीं लिखे हुए आते, ये दो ऑप्शन लिखे हुए आते हैं। हाँ आंसर में से, अब इनमें से तो एक चूज करना है, इतना आसान है। अगर ढंग से देखा जाए तो आरएस का इंग्लिश ठीक आता है, मतलब इतना वो नहीं आता है मुश्किल वाला ना। अब वो तो सबका अपना अपना व्यू होता है, पर इनमें से मैं कह रहा हूँ चार में से दो भी तुक्के ठीक बैठ गए तो मामला ठीक ही है, 50-50 है, दोनों नंबर आ जाएंगे आपके, दो तो बैठ ही जाएंगे, है ना। चलिए अब इसके अंदर देखो डिस्क्रीट, डिस्क्रीट का मतलब होता है देखो वो आदमी जो अपना काम निष्ठा से करे, वो आदमी जो अपना काम निष्ठा से करे, सावधान होकर करे। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है? सावधानी पूर्वक। ये वो वाला डिस्क्रीट नहीं है, अलग अलग वाला, विविध वाला डिस्क्रीट नहीं है ना, ये ध्यान रखना, ये दोनों कंफ्यूजेबल वर्ड में आते हैं, इसलिए ये डिस्क्रीट है। इसका मतलब सावधानी पूर्वक अपना काम करना। और प्रूडेंट का मतलब भी यही होता है, सावधानी पूर्वक अपना काम करना। जैसे इम्प्रूडेंट पढ़ा था, उसका मतलब क्या होता है? इम्प्रूडेंट का मतलब होता है निर्लज, जो अपना काम ढंग से नहीं कर रहा है, मतलब अपने काम के प्रति अटेंटिव रहे। अब वो तो वन वर्ड के अंदर बिल्कुल काम में लेते हैं उसको, लेकिन अपने काम के प्रति अटेंटिव रहे, अपने काम को अच्छे से फॉलो करे, तो ये इसका सिनोनिम होता है, इसका सिनोनिम होता है। हमें क्या चाहिए? ऑपोजिट मीनिंग चाहिए, तो बचा यही है ऑब्स्ट्रूसिव। ठीक है, ये अपने काम को ढंग से नहीं करता, बेपरवाह, लापरवाह, जो भी कहो। नेक्स्ट देखो डेफ्ट, डेफ्ट हिंदी के वर्ड दक्ष से बना हुआ है। ठीक है, अब कल परसों ही बताया था, शायद कल ही वन वर्ड के अंदर है ना, एमेच्योर। एमेच्योर कौन सा पर्सन होता है? अपरिपक्व। ये दक्ष है तो इसको अपरिपक्व होना पड़ेगा क्योंकि ऑपोजिट ढूंढ रहे हैं, और एक्सपर्ट तो एक्सपर्ट होता है, ये इसका सिनोनिम बनता। एक भी अगर हल्का फुल्का आइडिया है ना, अब ये पूछते भी ऐसे हैं, एक इसका सिनो डालेंगे, इसका एंटो डालेंगे, एक इसका सिनो, एक इसका एंटो। फिर भी देखो मामला 50-50 का है, किसी को पता है तो पता है, नहीं पता है तो फिर आदमी आंख बंद करके करता है। चलिए आगे देखते हैं। देखो मैं आपको कह ही रही थी ना कि ये गिव इन वाला आया था, तो मोस्ट प्रोबेबली इनमें से आ जाना चाहिए, नहीं आया तो फिर अपनी गारंटी नहीं है ना। इसमें क्या कह रहा है? द आर्मी गॉट डिस्करेज्ड एंड गेव इन बिफोर द ओपोनेंट्स। आर्मी क्या है भाई? हताश हो गई थी, हताश होने के बाद में, और उन्होंने सरेंडर कर दिया ओपोनेंट्स के सामने, एज इट इज आया था ये, है ना। चलिए, आई एम गोइंग टू हैव अ कैट नैप और डॉग नैप व्हाइल यू आर कुकिंग लंच। मैं जा रहा हूं एक बारी झपकी लेने, है ना। अब देखो इसको कैसे, झपकी कुत्ते की तो नींद होती है, इसको याद करने का तरीका बता रही हूँ। कुत्ते की तो क्या होती है? नींद होती है, और बिल्ली की क्या होती है? झपकी होती है। बस इतना सा ध्यान रखना, बाकी देखो इनका कोई साइंटिफिक रीजन तो रहता नहीं है। हाँ श्वान निंद्रा, एग्जैक्टली, मैंने भी उसी से ही रिलेट किया था इसको क्योंकि नहीं पता होता कुछ चीजों के बारे में, तो मैंने उससे एग्जैक्टली उसी से रिलेट करके इस आंसर को सही किया है। आंसर सही हो गया, दिस इज वॉट मैटर्स। चलिए 17 नंबर देखो। He was sitting beside me when I was eating the cake. ये भी बहुत ज्यादा, अपन ने भी प्रेपोजिशन की प्रैक्टिस क्लास नहीं लगाई है ना, ये लगा दी है, पढ़ा देंगे प्रेपोजिशन भी। ये भी बहुत तेजी आया था, ये सर कितनी बार बताते हैं बिसाइड और बिसाइड्स। बिसाइड्स का मतलब के बावजूद, और बिसाइड का मतलब पास वाला, तो बस बहुत ईजी चीज आज ने पूछ ली थी। तो he was sitting beside me, मेरे पास में बैठा था, When I was eating the cake, जब मैं केक खा रहा था। अब तो ट्रांसलेशन भी कर लेते हैं, थोड़ा ट्रांसलेशन करो तो अच्छा फील हो, और besides का मतलब के बावजूद।
चलिए नेक्स्ट देखो, ही वॉज कॉन्फिडेंट या कॉन्फिडेंट दैट ही वुड क्लियर द एग्जाम। वो कैसा महसूस कर रहा था भाई? कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा था कि वो एग्जाम पास कर लेगा, लेकिन कौन सा कॉन्फिडेंट? दोनों ही कॉन्फिडेंट है, तो ध्यान रखना ये कॉन्फिडेंट का मतलब होता है, नाउन होता है विश्वास पात्र। क्या मतलब होता है इसका? विश्वास पात्र, एक ऐसा पर्सन जिसपे आप विश्वास कर सको। ये उस पर्सन के लिए आता है जिसको आप विश्वास कर सको, उसको बोलते हैं हिंदी में अपन विश्वास पात्र। कॉन्फिडेंट कौन सा वाला? ए वाला। अब इतना भी पता होता इसकी स्पेलिंग याद रहती तो ये रिजेक्ट हो जाता, और ये पता होता तो ये रिजेक्ट हो जाता, कैसे भी कर लेते, लेकिन ये करना था ना। 18 क्वेश्चन हो गए, 15 सही होने चाहिए थे, अब दो और बचे, इनमें से एक सही होना चाहिए था। कौन सा वाला? एम्बेसडर पढ़ा दिया है आपको, और मैवरिक वाला बोला था नहीं होगा, हटा दो। बट मतलब अब तो पता चल गया, अब दोबारा आएगा भी नहीं। क्लियर है क्या यहां तक का मामला? कर लोगे का क्वेश्चन? एक एग्जाम के और करेंगे, एक पेपर के और। ये 2021 का पेपर है, मैं कोई बना के नहीं लाई हूं, ये पेपर 2021 आरएएस का है। हाँ नहीं आता होगा, हो सकता है। ठीक है, अब जो आ गया सो आ गया, इसको बाहर नहीं, अब कोई होता ही नहीं है यार, किसको बोलूं बाहर निकलना है। चलिए एक मैं आपको बोलूं कि आप लोग करोगे क्या एक का? इनमें देखते हैं जिनका आंसर नहीं लिख रखा है ना, वो आप लोग एक बार ट्राई करो कम से कम। इसका लिखा हुआ है क्या? इसका लिखा हुआ है, हटा दो इसको तो। 18 वाला का, इसका नहीं लिखा हुआ है। चलो इसको आप लोग ट्राई करो एक बारी, क्या हो रहा है। चलिए जल्दी से पहले क्वेश्चन लिख लो, जल्दी से क्वेश्चन लिख लो, या आंसर साथ के साथ ही लिखोगे? साथ ही के साथ लिखोगे? हाँ तो मैं बैठी हूँ, लिखो आप ये तीनों लिख लो। ऑनलाइन में भी जो लोग देख रहे हैं, ये 2018 वाला पेपर है, इससे पहले मैंने 2021 वाला पेपर करवाया है, 2018 वाला आप अटेम्प्ट करो, फिर देखते हैं इसका क्या आंसर होगा, है ना। मैं चेंज कर दूंगी स्लाइड, आप तीनों के आंसर लिखो। फर्स्ट नहीं हुआ आपसे? आपसे कितने हुए? 5 किए आपने। चलो देखते हैं वन बाय वन इनका सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले तो हमें तो सिर्फ एक ही चीज आती है, एरर ढूंढना। पोस्टमार्टम कर दो, लगेगी समस्या है तो मिल जाएगी, नहीं होगी तो चले जाएंगे, काम खत्म। चलिए सबसे पहले व्हाट से इसको देखते ही मुझे पता चल गया इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव में भी कौन सा वाला है? WH वाला है। इसके बाद में मुझे चाहिए थी हेल्पिंग वर्ब, जो मुझे मिल गई है, तो अभी तक तो मामला दिक्कत नहीं है। इस गलत है या नहीं है वो आगे वाला सेंटेंस तय करेगा, कि आर आना चाहिए था, एम आना चाहिए था, वो बात की बात है। तो व्हाट इज इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट, प्रेपोजिशन है, ये भी प्रेपोजिशन है, इस प्रेपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट है, इस प्रेपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट है, और ये बी के बाद में एडजेक्टिव आ रहा है। ये बी के बाद में बी फॉर्म है, बिकमिंग बी के बाद में क्या आ रहा है? एडजेक्टिव आ रहा है। तो व्हाट इज इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट, विलुप्त, एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त होने, बिकमिंग मतलब होने के, रुको तो, बिकमिंग होने के खतरे में क्या है? यही सेंस है इसका, कि कौन सी ऐसी चीज है जो विलुप्त होने के खतरे में? क्या इसके अंदर आपको एरर लगी? क्या लगा ऑफ की जगह? पर डेंजर तो ऑफ लेता है फिक्स्ड प्रेपोजिशन, किस चीज के लिए आ रहा है? आप बताओ आपको क्या एरर लगा? डेंजर से पहले इन्होंने दा लगाया है। आपने सुना है क्या, कुछ फ्रेजेस होती हैं उनको आर्टिकल की जरूरत नहीं होती, जीरो आर्टिकल लेती हैं, होती है क्या? इन डेंजर अपने आप में ही फिक्स्ड फ्रेज है, इसके बीच में इन दी डेंजर लगाने की जरूरत ही नहीं है, फिक्स्ड फ्रेज वो है। जैसे इन कोल्ड, तो जरूरत ही नहीं थी। हालांकि कई बुक्स में आपको दिखेगा ऐसा कि वहां पे आर्टिकल दी लगा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये स्टेटमेंट सही आया था, स्टेटमेंट में कोई गलती नहीं आई थी। हालांकि कई बुक्स में और रेफरेंसेस वगैरह के अंदर यहाँ आर्टिकल दी लगवा रहे हैं, लेकिन इन डेंजर आप गूगल पे सर्च करना, कैम्ब्रिज में चेक करना, ऑक्सफोर्ड में चेक करना, इन डेंजर अपने आप में फ्रेज है, इसको किसी चीज की जरूरत नहीं है। ठीक है,
ठीक है, ये सेंटेंस सही आया था, इसीलिए ऊपर लिखा हुआ होता है कि कोई एरर है तभी ढूंढे, जबरदस्ती ना ढूंढे। चलो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें गलती होने की संभावना थी लेकिन आगे अब नहीं होनी चाहिए। एक तो माफ करते हैं, 10 में से 9 भी चलेगा अपने तो। नेक्स्ट देखो, हाँ इसमें क्या दिक्कत है भैया, इसमें क्या कियो, यहां क्या कियो, रियलाइज्ड। इन्फिनिटिव में डी की क्या जरूरत है, आपने क्या किया है? क्या किया मतलब किया ही नहीं, आपने क्या किया है? बीन, ही हैड बीन, आपने क्या किया है? आपने, मैं कह रही हूं जहां मुझे डिटरमिनर दिख जाए तो डिटरमिनर की एरर ढूंढो ना, थोड़ा बहुत क्वेश्चन में हमें कॉमन सेंस अप्लाई करना पड़ेगा। आर्टिकल, डिटरमिनर, प्रेपोजिशन, क्यों मैं बार बार कह रही हूँ, सिलेबस को अपने दिमाग में रखो। एरर मिलेगी तो इन्हीं में से मिलेगी, आर्टिकल, डिटरमिनर, प्रेपोजिशन, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मॉडल टेंस, इसके अलावा कोई एरर नहीं होगी। अपने मन से एरर बना रहे हो आप, समझने की कोशिश करो। आर्टिकल है तो आर्टिकल की एरर होगी, डिटरमिनर वो दिया ही इसीलिए ही है। अब सारा ध्यान जब इस पे जाएगा तभी ना एरर मिलेगी। लिटिल को देख के, फ्यू को देख के, इनका आपका मन नहीं किया था कि ये हमने पढ़े, इनको एक बार ही चेक कर लिया जाए। चलो देखो अब क्या कह रहा है ये अगला। ही वॉज पेन्ड, ही वॉज पेन्ड मतलब वो दुखी था। दुखी क्यों था? टू रियलाइज, जानकर, नानी ना ये बात जानकर। ही वॉज पेन्ड, वो दुखी था जानकर, क्या जानकर, कि ही हैड, ये हैड कौन सा वाला है, सिर्फ इतना सा रिप्लाई दो, मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब? मेन वर्ब है, और मेन वर्ब है तो किस चीज का सेंस दे रहा है, रखने का सेंस दे रहा है। तो इसका मतलब वो ये वह दुखी था यह बात जानकर कि ही हैड, मतलब वो रखता था, क्या रखता था। अब लेशर मैंने आपको कल परसों बताया था, फुर्सत, लेफ्ट मतलब बची हुई। अगर मेरे पास थोड़ी बहुत भी फुर्सत है तो मैं दुखी होंगी क्या? फुर्सत कैसी है, ना के बराबर है तभी मैं दुखी हूं। तो ना के बराबर के लिए अ लिटिल या लिटिल, मैं इस बात पे गुस्सा नहीं कर रही हूं कि आपने क्वेश्चन सही नहीं किया, मुझे इस बात पे गुस्सा आ रहा है कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर रहे। भाई ये तो पता चलना चाहिए कि एरर यहाँ है, करेक्ट हो चाहे ना हो, ये तो पता चलना चाहिए कि एरर यहाँ है। समझो इस चीज को, थोड़ा सा वापस बताने की जरूरत है इसको, नहीं देख लो एक बारी, कहना क्या चाह रहा है। ही वॉज पेन, वो दुख में था ये जानकर कि उसके पास न के बराबर फुर्सत बची थी। अब इसीलिए एक एक चीज ट्रांसलेशन में बताया था कि हैव का मतलब हेल्पिंग वर्ब है तो कुछ और होता हैव का मतलब मेन वर्ब है तो कुछ और होता है। ये सेंस ही नहीं होगा तो ये कैसे होगा, ये कोई भी नहीं बता सकता फिर क्या इसका रीजन है, जब तक आप इसको सेंस नहीं करोगे कैसे बताएगा। फ्यू की जरूरत थी या लिटिल की जरूरत थी, इतना डेप्थ में हमें सोचना है कि भैया लेजर है, फुर्सत है, काउंटेबल नहीं है, तो फ्यू की जरूरत नहीं है, इतना डेप्थ में सोचना पड़ेगा आपको, तब तो हो जाएगा, नहीं तो फिर देख लेना अपने हिसाब से। चलिए नेक्स्ट देखो, थर्ड नंबर, हिज न्यूज चैनल एस्पायर्स टू हैव अ मिलियन व्यूअर्स अंटिल द वीकेंड, अंटिल दिस वीकेंड। तो इसका जो न्यूज पे चैनल है वो एस्पायर करता है, कामना करता है, ऐसी इच्छा जाहिर करता है, किस चीज की, टू हैव, रखने की, क्या रखने की, अ मिलियन व्यूअर्स, 1 मिलियन, 10 लाख व्यूअर्स रखने की इच्छा जाहिर करता है, किसका, इसका जो न्यूज चैनल है, अंटिल दिस वीकेंड, इस वीकेंड तक। और मैंने हमेशा बताया है अंटिल और बाय में डिफरेंस, अंटिल मतलब अंटिल या टिल, अंटिल टिल का मतलब इस तक, और बाय का मतलब इस तक या इससे पहले, तक या इससे पहले। तो कोई भी आदमी ये चाहेगा, भाई मैं ये बोलूं कि मेरे जो फॉलोअर है ना वो 10 तारीख तक 10 मिलियन हो, तो मेरा कहने का क्या मतलब है, उससे पहले भी हो, ये थोड़ी कि 10 को ही 10 मिलियन हो, तब उसी को ही हो तब तो तक आता है, लेकिन उस तक या उससे पहले हो तो बाय आता है। तो हिज न्यूज चैनल एस्पायर्स टू हैव अ मिलियन व्यूअर्स बाय दिस वीकेंड, इस वीकेंड तक या इस वीकेंड से पहले। क्लियर है, समझ में आया? तीनों क्वेश्चन अच्छे थे, ये वाला गलत नहीं होना चाहिए था, पर ये आपके तीनों ही गलत हुए हैं, आपकी शक्ल बता रही है, तीनों गलत हुए हैं ना। हाँ अंटिल टिल तो सेम ही सेंस देता है, उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट देखो, ही इज टेकिंग टी एवरी मॉर्निंग, इसमें क्या किया है, रूटीन है, टेक्स कर दिया, ये तो गलत करना भी नहीं था, 1 नंबर आया है अभी तक आपके। चलिए इसमें क्या किया है, आपने क्या किया है,
आपने वॉज वॉकिंग, आपने नहीं किया। मेरी सेंस करके देखो, ट्रांसलेशन कितना इंपॉर्टेंट है उसकी वैल्यू समझो। मेरी आंटी चली थी गार्डन में जब मैं उससे मिला। गार्डन में चली थी या चल रही थी? तो माई आंट वॉज वॉकिंग इन द गार्डन। गार्डन में चल रही थी, घूम रही थी व्हेन आई मेट हर, जब मैं उससे मिला। मिलना एक एक्सीडेंट था इसलिए पास्ट सिंपल में चला गया, लेकिन वो एक्शन था कि वो घूम रही थी इधर उधर। उस एक्शन को एक्शन बनाओ। नेक्स्ट देखो, लेट मी शो यू हाउ टू डू इट, कैन आई। ये मैंने, अच्छा आपके बैच में भी मॉडल नहीं पढ़ाया ना, रिविजन क्लास जरूर अटेंड करना। जो 5 दिन की रिविजन होगी ना, सब कुछ उसमें पढ़ाया जाएगा, ये सब सारे कॉन्सेप्ट एक बारी फिर से। लेट मी शो यू, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि इसको कैसे ओपन करना है। और ये ऑफर ऑफ सर्विस है। क्या है? ऑफर ऑफ सर्विस है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये काम कैसे करना है। और इसमें मॉडल कौन सा आता है? शेल। कौन सा मॉडल आता है? शेल। आप लोगों को मॉडल अभी करवाना है ना, थोड़ा सा बुक से करवाना है ना, नहीं करवाया ना? कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपन करेंगे जो रिविजन क्लास है। रिविजन क्लास 3 दिन पूरी ग्रामर याद करवा देंगे, फिर आपकी इच्छा है आपको याद होगी या नहीं होगी। हाँ, इसमें क्या करना है? ये गलत नहीं होना चाहिए। हाँ, यस, व्हाट डिड दे स्टील। आपको पता है अच्छी तरीके से ये चीज की, ये व्हाट तो अकेला आ ही नहीं सकता, इसको हेल्पिंग वर्ब चाहिए। अब या तो यार डू आता या डिड आता। अब ये कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई चोर इस तरीके का जो हमेशा ही करता रहता है। व्हाट डू यू स्टील, तुम क्या चोरी करते हो? अच्छा, तुम चेन चुराने वाले हो या तुम पैसा चुराने वाले हो? ये तो ऐसे ही, तुमने क्या चुराया था, है ना? इसीलिए डिड को ज्यादा प्रेफरेंस दी है। हालांकि गलत वो भी नहीं है, लेकिन कोई ऐसा तो है नहीं कि भैया क्या चोरी करते हो। तो एक प्रकार के जो चोर हो तो कुछ भी चोरी कर सकता है। नेक्स्ट देखो, डिड दिस पिक्चर पेंटेड बाय राजा रवि वर्मा। इसमें क्या किया है? क्या किया है यहाँ पे? सॉरी, यहां फर्स्ट फॉर्म लगाया है आप। एक मिनट, आपने क्या किया? नोप, एक चांस, जिंदगी आपको एक ही मौका देती है। क्या आएगा? यू डिसाइड फर्स्ट। हाँ, ऑनलाइन वाले भी आंसर लिख के भेज सकते हो अगर कुछ सूझ रहा है तो। आप बताओ क्या किया है आपने? आप बताओ क्या कर दिया? वॉश से बना दिया आपने, इज लगाया है। अब आप प्रेजेंट बनाओ चाहे फ्यूचर बनाओ, समझने की बात ये थी कि ये पिक्चर खुद नहीं बनाएगी। ये एक्टिव नहीं, ये पैसिव का सेंटेंस था। तो डिड, डू, डस तो बिल्कुल नहीं आएगा। इज एम आर या वॉज वर, अब किससे बनाना है वो आपको अब आगे सोचना है। लेकिन ये डिड तो एकदम गलत था, इसके साथ ये पिक्चर बनाएगी क्या? इसका मतलब तो ये हो जाता कि इस पिक्चर ने रवि राजा वर्मा को बनाया था। अरे ये कैसे बनाएगी? इसको बनाया गया था और आगे बाय राजा रवि में लिखा भी है। अब इस पिक्चर को बनाया गया था या बनाया जाता है? कोई पिक्चर है तो बनाया गया था पास्ट में ऑब्वियसली, और सिंगुलर है तो वॉज। तो आपने जो किया है वो एकदम सही किया है, बाकी सबका गलत है। हाँ, सोच रहे हो तो बस सोचते सोचते परीक्षा निकल जाती है। नेक्स्ट देखो, ही आस्क दैट व्हाई हैव यू कैंसल द मीटिंग। इसमें क्या किया है? मैं शुरू में क्या बोला था मैंने कि इस तरह के सेंटेंसेस में यू डोंट नीड टू चेंज इनटू द इनडायरेक्ट सेंटेंस। आपको क्या करना है इसमें? एरर फाइंड करनी है आपको, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में नहीं बदलना है। ऑनलाइन में भी मेरी बात, एक मिनट लेट मी फिनिश फर्स्ट, ऑनलाइन में भी मेरी बात सुनो। ये जो सेंटेंस आते हैं ये आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में नहीं चेंज करना होता है, एक्टिव से पैसिव में नहीं चेंज करना होता है। साफ साफ लिखा हुआ है कि इनमें एरर ढूंढो, इनमें गलती ढूंढो, उस गलती को करेक्ट करो। हाँ, अब आप बताओ क्या कह रहे हो? एग्जैक्टली, ये दैट नहीं आएगा क्योंकि ये डायरेक्ट है, डायरेक्ट के अंदर दैट नहीं आता, इनडायरेक्ट में दैट लगाते हैं और ये सब हट जाता है फिर, जितने भी ताम तुमड़े से है ना, ये सब इफ वेदर दैट ये सब किस में आते हैं? इनडायरेक्ट में आते हैं। इस वाले में यस, द फॉलोइंग डे या द अपकमिंग डे, द नेक्स्ट डे, है ना? द फॉलोइंग डे, द अपकमिंग डे, द नेक्स्ट डे, कुछ भी लगा दो। क्योंकि ये जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज होता है तो कुछ एडवर्ब्स के चेंजेस आते हैं, वो टेबल एज इट इज याद करके इसको चेंज कर देना था आपको। आसान था, 5 क्वेश्चन तो सही होने चाहिए थे 100%, उसके ऊपर फिर आपके ऊपर डिपेंड करता था। ठीक है क्या? अब 2018 वाला मैंने करवा दिया, 21 वाला मैंने करवा दिया, 16 वाला आप अटेम्प्ट करना, ठीक है? फिर उसका डिस्कशन कर लेंगे। आज
आई थिंक आज के लिए बहुत है ना। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।